दुशहरे का दिवाली का त्यौहार जिथे भारत तो इलावा पंजाब दे विच भी धूमधाम दे नाल मनाया जाता है उत्थे ही इन त्यौहारों तो पहला रस्मी तौर पर रामलीला खेडी जाती है। पर इस साल रामलीला की स्टेज पर अश्लील गाने चलण दियां बहुत सारिया वीडियोज़ सामने आ चुकिया ने। ताज़ा मामला फिरोजपुर तो सामने आया जिथे एक दो नहीं बल्कि तीन अश्लील गाणियां दियां वीडियोज़ वायरल हुई। इन्हां वीडियोज़ दे विच जिथे कलाकारां ने अश्लील डांस किया उत्थे ही एक बुजुर्ग स्टेज ते अश्लील हरकतां करदा होया भी नज़र आया, जिस तों बाद शिव सेना बाल ठाकरे दे वल्लों पुलिस नूं मंग पत्र दित्ता गया। मामला फिरोजपुर कैंट तो सामने आया जिथे रामलीला दे विच अश्लील गाने चले। ना सिर्फ ये गाने चले बल्कि इन्हां गाणियां दे उत्ते कलाकारां ने डांस भी किया। एक वीडियो दे विच ता एक बजुर्ग स्टेज से अश्लील हरकतां करदा होया भी नजर आया, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। सब तो पहला तुहानू ये वीडियो दिखा दिंदे आं। दस दिए कि इस वीडियो के सामने आने तो बाद शिवसेना बाल ठाकरे के प्रधान मिक्कू चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के आधार के उत्ते पुलिस को एक मंग पत्र सौंप के आए हैं। उन्होंने वालों मंग की जा रही है कि जिन्होंने लोगों के वालों पवित्र रामलीला की स्टेज पर यह हरकत की गई है उन्होंने खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मैनू कल रात एक सोशल मीडिया राही वट्सअप एक तीन क्लिप मिली जो कि पता लगा कि फिरोजपुर कोई घुमियार मंडी है। वो घुमियार मंडी का जिहड़ा रामलीला कमेटी का संचालक है सुदामा यादव, उनके वालों रामलीला की जी स्टेज के उपर एक अश्लील सौंग लगा के अश्लील डांस करवाया गया, जिन्हों वेखते हुए पूरी शिवसेना ने यह वेख्या कि यह बंदा जेकर नहीं टलिया तो कल होर जिन्हें भी है ने रामलीला कमेटियां वह भी अजिहा काम करनगियां। सो इस करके साढ़े वालों पूरी शिवसेना ने जिन्हें भी मैंबर ने कट्ठे होकर एक कंप्लेट फाइल की गई है SHO कैंट न कि भाई इन्होंने उपर 295 ए का मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाए, नहीं तो शिवसेना पूरे पंजाब दे विच एक अगरू का रूप धारण करेगी ते हालात जे खराब होणगे तो उनकी पंजाब पुलिस जिम्मेवार होएगी। उधर जो रामलीला कमेटी के प्रधान ते सैकटरी नूं इस मंग पत्र की गल का पता लग्या तो उन्होंने माफ़ी मंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मन दे विच अजिहा कोई भी मकसद नहीं सी कि वो लोगों दी भावनावां नूं ठेस पहुँचाण, वो माफ़ी मंगते हैं जिन्हों के वलों एक गलती की गई उन्होंने समझाया जाएगा और अजिही गलती बिल्कुल नहीं की जाएगी। कमेटी का नाम तो काशी विश्वनाथ जी साड़ी है कमेटी वो तो शिव शक्कर रामलीला कमेटी असं रल के करा रहे हैं, सारे एक ही कमेटी है जी। तो बाकी जो वायरल हुई है वीडियो उनके असर से माफ़ी मंगते क्लब वालों भी मंगते हैं जी, तो अगे तो ध्यान रखा जाएगा कि यहोजी घटनावान द्वारा ना हो। बाकी किसी भी पासों अगर किसी धर्म वाले पासों या किसी वाले पासों भी साड़ी गाने की या किसी ठेस पहुँचती है उनके वालों असं क्लब वालों बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं अगे तो यहोजी। दस दिए कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इस तो पहला भी जलंधर अमृतसर तो अजिहे मामले निकल के सामने आ चुके ने। पर हर वार की तरह रामलीला की पवित्र स्टेज के उत्ते अजिहे अश्लील गाने चलाए जाते हैं। हालांकि हुण देखना होगा कि पुलिस इन्हां मामलों दे विच की करती है। फिरोजपुर तो पत्रकार सुखचैन सिंह की रिपोर्ट, हमदर्द TV।